कैसे चोट लगी? चोट का तो पता नहीं, जस्ट आई वन डे आई पुल्ड इट गमला पर अगर जैसे उधर आई थिंक सो फ्रॉम दैट तो गमला उठाने से ही आपको कमर में दर्द हो गया? उसी तरह तो नहीं हुआ ना, थोड़ा दिन फिर कब हुआ था? मैं दर्द तो दो तीन दिन के बाद ही हुआ था, पर आई एम थिंकिंग कि मैंने ये गलत शायद कर लिया, इसकी वजह से शायद तो कितना तो दर्द था? दर्द तो सब इधर बैक में और जब घूमता था इधर भी जाता था, लगता था जैसे कोई हवा घूम रही हो, और जैसे ऐसा का सोचा किसी ने कोई छोटी फिश छोड़ दी ऊपर, दर्द होता था। तकलीफ आपसे टॉलरेट हो रही थी या रात को? तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाई थी, रात को बहुत ज्यादा दर्द होता था। इस करवट सो तो यहाँ मारी लगता था, इधर सो तो इधर जा रहा था, सीधा सो तो इट वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? नाउ फीलिंग फाइन। कितना रिलीफ आपको है? मतलब जिस जगह से ये समथिंग हार्ड जो आपने किया है वही एक फीलिंग अपने बैठे में, अदरवाइज पहले जो दर्द होता था वैसा दर्द है? नो, इट इज ऑलमोस्ट नाउ यू आर एबल टू वॉक, कंफर्टेबली चल पा रहे? अब अभी तक मुझे पता था मुझे कितना चलना है नहीं चलना है, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है, कल हमने किया था, तो चलने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब चल सकते हैं। इधर चल के दिखाएं, ऐसे चल जितना तेज चल, हाँ जितना चल तेज। और एक बार अपना ऐसे घूम के कमर दिखाइए, इधर ऐसे। आपका जो ये ऑपरेशन हुआ है इसमें आपको कितनी तकलीफ हुई थी ऑपरेशन करते हुए? हम सिर्फ एक नीडल डाल के ये ऑपरेशन करते हैं जिसमें कोई कट नहीं लगता, कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम जब भी लोकल एनेस्थीसिया तो दिया था, बट आपसे बात कर रहे थे, डाला ऐसे हैमरिंग कर रहे थे जो नीडल डालने के लिए, क्योंकि बोन हार्ड होती है थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा हैमर करना होता। आ जाइए ठीक है, बट यूजली विदाउट एनेस्थीसिया और विदाउट एनी कट यू पुट जस्ट वन नीडल एंड इनटू दैट उस नीडल को डाल के उसमें सीमेंट डाल देते हैं। ये छोटा सा प्रोसीजर है बट रिलीफ 99% पेशेंट बहुत अच्छी हो जाती है। ये 3 दिन तक रहेगा जो इंसिजन का जो होल है नीडल का, वो सोरने से वो 3 डेज तक रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। प्रिकॉशन यही है कि दोबारा आपको ऐसी हैवी चीज लिफ्ट ना करें, आगे बहुत ज्यादा बेंड करके कोई चीज ना उठाए, और वॉकिंग वगैरह करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। कुछ दवाइयां हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, विटामिन डी सबसे जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, कुछ स्पेशल दवाइयां हैं वो हम देंगे, और 7 डेज के बाद एक बार आप आ जाइएगा फिर दिखा लीजिए। Within tolerable limits of pain and discomfort, you are allowed to do whatever you want to do. कोई restriction? ऐसे जैसे अभी तो यहाँ पर महसूस होता है कुछ है? हाँ, अभी तो 24 hours भी नहीं हुए, कल ही तो हुआ मॉर्निंग के बाद, तो अभी प्रिकॉशन लो उठने बैठने में चलो। हाँ, अगर आपको तकलीफ है तो अभी नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाएं, बट ऐसे जितना चलेंगे उतना बेटर। वॉकिंग बहुत जरूरी है, बेड रिडन नहीं होना, 10 दिन से वैसे ही परेशान थे, तो अब बेड रिडन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना चलेंगे उतना अच्छा। ठीक है जी, आज छुट्टी कर रहे हैं आपकी, फिर एक बार दिखा लीजिएगा।